रोएगी ना उतनी परेशान होगी बेटी। रो क्यों रही है? मुझे वजह तो बता, रो किस लिए रही है? मैं नहीं हूँ साथ है। क्या बच्चों की? फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक हाल ही में दो जुड़वा बच्चों की मां बनी है। डिलीवरी के बाद से लगातार पायल मलिक की तबीयत खराब होती जा रही है। हाल ही में पायल मलिक के मुंह से खून आना स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद अरमान मलिक ने पायल को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। फैंस लगातार जानना चाहते हैं कि अब पायल की तबीयत कैसी है। पायल फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। इस बीच खबर आ रही है कि पायल मलिक की जो तबीयत है वो लगातार खराब होती जा रही है, क्योंकि उनकी सारी नसें ब्लॉक हो गई हैं। हॉस्पिटल से अरमान मलिक ने नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें वो फैंस को ये बताते नजर आ रहे हैं कि पायल को ड्रिप चढ़ाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पायल की नसें काफी पतली हैं, जिसकी वजह से उन्हें कैनुला लगाने में काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। पायल मलिक अरमान मलिक की पहली पत्नी है। उनके पहले से एक बेटा है, लेकिन जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद पायल को कई सारी परेशानियां हो रही हैं। हाल ही में पायल मलिक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने बच्चों के साथ घर आ गई थी, लेकिन घर आने के बाद भी पायल की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। अब जब अचानक पायल के मुंह से खून आना शुरू हुआ तो इसके बाद पूरा परिवार घबरा गया, जिसके बाद पायल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पायल बच्चों के बिना हॉस्पिटल में काफी परेशान नजर आ रही हैं। और इस बीच अरमान ने फैंस के साथ इस बात को शेयर किया है कि जो पायल है उसकी वेन्स बहुत पतली हैं, जिसकी वजह से उसको ड्रिप चढ़ाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसके साथ ही अरमान ने ये भी बताया कि पायल की सारी नसें ब्लॉक हो गई हैं। घर पर कृतिका मलिक बच्चों को अकेले संभाल रही हैं, जिसकी वजह से वो भी काफी परेशान हैं। आपको बता दें, पायल मलिक अरमान मलिक की पहली पत्नी है और हाल ही में जुड़वा बच्चों की मां बनी है। वही बात करें कृतिका मलिक की, तो अरमान की दूसरी पत्नी है कृतिका मलिक। ऐसे में कृतिका घर पे रहकर बच्चों को संभाल रही है और पायल मलिक इस वक्त हॉस्पिटल में है। फैंस लगातार पायल की हर अपडेट को जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि पायल की छुट्टी कब हॉस्पिटल से होगी। अरमान मलिक लगातार अपने व्लॉग्स में पायल के बारे में फैंस को हेल्थ अपडेट शेयर कर रहे हैं। फिलहाल तो जो पायल है उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। परिवार यही कह रहा है कि अभी पायल को 2-4 दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। पायल मलिक की तबीयत जो लगातार खराब होती जा रही है डिलीवरी के बाद में, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? आपकी जो भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट। जितनी रोएगी ना उतनी परेशान होगी बेटी। रो क्यों रही है? मुझे वजह तो बता, रो किस लिए रही है? मैं नहीं हूँ साथ है। क्या बच्चों के लिए? बच्चों के लिए देख, सपना रही, गोलू रही, शांति रही, उसके बाद एक माँ और है, दूध पिला देगी। हैं? क्यों परेशान हो बेटी? मैं हूँ ना, परेशान मत हो ठीक है, मुझे फिर बुरा लगता है। देख मैं हूँ ना, क्यों परेशान हो रही हो? रो मत।